जय महाकाल, बाबा केदारनाथ की जय। हम हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे बाबा केदारनाथ की। कल आपने यात्रा की बाबा तुंगनाथ की, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा। कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन सी आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, किससे आप यात्रा कर सकते हो, कहाँ कहाँ पड़ाव पड़ते हैं, सारी वीडियो में डिटेल मिलेगी। तो चलिए साथ मिल करके बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कल आपने देखा कि तुंगनाथ महादेव की जो है चढ़ाई पतिदेव ने की, वापस आए, उसके बाद में इन्होंने यहाँ स्टार्ट कर दिया है तुंगनाथ से, चोपता से। तो ये जो है जा रहे हैं सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग जगह पड़ती है, सोनप्रयाग जगह पड़ती है। आपको बाबा केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा। तो ये लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में ही ये रात्रि स्टे करेंगे, क्योंकि शाम हो गई है, पहुँचते पहुँचते इनको रात हो जाएगी सोनप्रयाग में। तो अपनी ही गाड़ी से फिलहाल तो जा रहे हैं सोनप्रयाग तक, वहाँ स्टे करेंगे रात में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सोनप्रयाग में, अपनी गाड़ी लगा दी पार्किंग में। ये पार्किंग, इसके बराबर से ये होटल ले रखा है। सुबह 6 बज रहे हैं और दर्शनार्थियों का निकलना शुरू हो गया है। अभी गौरीकुंड पहुंच के आपको दोबारा दर्शन कराता हूं। तो जी, आपको गौरीकुंड जाने के लिए अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, वहाँ आपको टैक्सी ही लेनी पड़ती है, क्योंकि टैक्सी ही वहाँ तक जा सकती हैं। तो इन्होंने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी सोनप्रयाग में ही, और टैक्सी से ये लोग जा रहे हैं, निकल गए हैं गौरीकुंड के लिए, क्योंकि यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है केदारनाथ की। तो ये सभी लोग बैठे हुए हैं इसमें, और भी सवारियाँ हैं। अभी ये लोग यात्रा सब करके अपना गौरीकुंड जो है वो पहुँच गए हैं। गौरीकुंड पहुँच करके अभी इनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण होता है, जिनका वो कहते हैं ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, जो करा के लाते हैं, नहीं करा के लाते तो उनका वहीं पे किया जाता है। तो ये देखिए, अभी जो है पहुंच गए हैं गौरीकुंड, उसके बाद में इनको चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि वहाँ इन्हें अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, चेकअप वगैरह होते हैं। देखिए, गौरीकुंड पहुँच गए हैं, अभी यहाँ अभी यात्रा अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है, अभी तो ये लोग आगे जाएंगे, वहाँ इनकी चेकिंग वगैरह होगी, चेकअप होंगे, और उसके बाद गौरीकुंड पहुँचेंगे। गौरीकुंड यानी जहाँ कुंड बना हुआ है गौरी का, वहाँ से अनुमति लेंगे, गौरी माता से स्नान करेंगे, उसके बाद चलते हैं। तो देखिए, यहाँ ये लोग पहुँच गए हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं जिनके नहीं हो रखे हैं, और चेकिंग वगैरह होती है, चेकअप होते हैं। तो यहाँ से इनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब ये आगे लोग निकलेंगे। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे इनका ये सब चल रहा है, उसके बाद में ये देखिए है ना स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र यहाँ पे होता है। अभी ये निकल गए आगे, अभी इनको लगभग चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर जैसा चलना पड़ेगा, उसके बाद में गौरीकुंड में स्नान करेंगे ये लोग। गौरीकुंड में स्नान करने का मतलब होता है, कहते हैं कि गौरी जब हम यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा अपनी समाप्त करते हैं, दोनों टाइम गौरीकुंड में स्नान करने से यात्रा आपकी अब स्टार्ट में करते हैं ना। जैसे किसी को यहाँ पे देखिए दवाई वगैरह लेनी हो तो वो भी लेके जा सकता है, जिस पे कपड़े नहीं है वो भी यहाँ सारी व्यवस्था दे रखी है, कपड़े वगैरह नहीं लेके आए गरम, तो क्योंकि कपड़े गरम आपको बहुत ज़रूरी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में आपको बरसात, पानी, ठंड, गर्मी सारे मौसम मिलेंगे चढ़ाई करते टाइम। ये आपको पहले से हम बता दे रहे हैं, आप जब भी जाएँ तो ये सारी चीज़ें अपने गर्म कपड़ा ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बीच में आपको गर्मी भी लगेगी चलते चलते, उसके बाद आपको कहीं बरसात भी मिल सकती है, कहीं बर्फ़ भी मिल सकती है, ये चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो अब आगे चले जा रहे हैं ये लोग, उसके बाद देखिए गौरीकुंड में स्नान किया, उसके बाद में माता पार्वती से, माता गौरी से अनुमति लेते हैं कि हम आपके पति के, हम आपके महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, हमें अनुमति दीजिए हमारी यात्रा सफल हो, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे। इसका महत्व ये होता है स्नान करने का, आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद इन लोग स्नान करने के बाद ये लोग आगे चले हैं घोड़ा पड़ाव यात्रा, यहाँ से कचरा द्वारा कर लेते हैं लोग। जाना भैया,
गौरी कुंड दर्शन करने के बाद यात्रा हमने शुरू कर दी है। जो घोड़े से जाना चाहते हो यहाँ घोड़े से जा सकते हैं। ये देखो जाने वाले यात्री, केवल 1 किलोमीटर निकाला अभी हमने गौरीकुंड। जगह है छोटी लिंचोली। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो जगह पड़ती है ये जंगल चट्टी। यहाँ आप स्टॉपेज कर सकते हैं, अपना बैठ सकते हैं, चाय नाश्ता वगैरह ये सब ले सकते हैं। देखिए ये भी लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये जगह सबसे पहले पड़ती है जंगल चट्टी, आप यात्रा शुरू करते हैं उसके बाद में। यात्रा प्रारंभ कर दी भैया। जंगल चट्टी यहाँ से केदारनाथ जी हैं 15.5 किलोमीटर। ये एक पॉइंट है रिफ्रेशमेंट के लिए, फ्रूट चाट, चना, स्नैक्स। तो आपको पतिदेव ने बता ही दिया कि अब कहाँ पहुँचे हैं ये लोग और अपनी यात्रा बस जारी रखे हैं। सुबह स्टार्ट कर दी थी काफ़ी जल्दी इन्होंने। और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कांवड़िए हैं, ये कांवर लेके आए हैं, चढ़ाई कर रहे हैं कांवर लेके। बहुत कठिन चढ़ाई है, जब इंसान अकेले नहीं कर सकता है। ये देखिए कांवर लेके चढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मतलब भक्ति कहाँ कहाँ तक जा सकती है वो वाली चीज़ देखने को यहाँ मिलती है। बच्चे बूढ़े सब तरह के लोग आते हैं, तो कई तरह की आपको मिलती हैं। जय बाबा केदार। 4 किलोमीटर की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं। यात्रा बहुत भीड़ है, दर्शनार्थी बहुत हैं। 4 किलोमीटर पूरे हुए मेरे अभी तक, शाम 6-7 बजे तक पहुंच पाऊंगा भवन। आधा सफर हुआ ही मेरा, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा आधी हो गई आगे मेरी। तो फ्रेंड्स इनकी यात्रा आधी हो गई, उसके बाद उन्होंने और चढ़ाई की। अब यहाँ ये जो रुके हैं, ये जो आप टेंट वगैरह देख रहे हैं, यहाँ से केदारनाथ जी की यात्रा केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर रह जाती है। शाम हो गई थी, दिन छुपने लगा था और इनके जो साथ में जो थे कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर था वो -7 था। तो इन्होंने यहीं पे स्टॉपेज लिया, यहीं टेंट में रुके थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी, कह रहे थे पानी भी जम रहा था, अपने फ्रीज़र तो कुछ नहीं होते, उतना ठंडा था। तो ये लोग यहाँ रुक गए थे। रात में टेम्परेचर -7 डिग्री था। हमारी यात्रा 1.5 किलोमीटर की रह गई है केवल।
तो फ्रेंड्स इन्होंने सुबह फिर जग करके अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी और उसके बाद में ये देखिए पहुंच रहे हैं और यहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है दर्शन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था यहाँ से दे रखी है। हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड है वो वहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे है, केदारनाथ मंदिर से पहले रह जाता है आधा किलोमीटर दूरी पर। आप देख सकते हैं ये जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था बना रखी है इससे भी आप जा सकते हैं, लेकिन इससे बुकिंग आपको महीनों पहले करानी होती है, तो देख लीजिएगा। खच्चर की व्यवस्था भी है और पालकी की व्यवस्था भी है, कई सारी व्यवस्था दे रखी होती हैं, मतलब इंसान भी अपनी पीठ पे लेके आते हैं। तो देखिए उससे अच्छा है, मेरा मानना ऐसा है कि देखिए दर्शन करने अगर जाओ तो अपने पैरों से ही जाओ, क्योंकि किसी को कष्ट दे के दर्शन करने जाने का मतलब नहीं बनता है। या फिर हो सके कैपेबल तो आप हेलीकॉप्टर से जाइए, क्योंकि वहाँ इंसान जब लेके जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है इस चीज़ को। और फिर वैसे देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है, मेरा मानना अपनी मैंने आपको बताया, यहाँ हेलीकॉप्टर आया हुआ है क्योंकि आज उपराष्ट्रपति आने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो हेलीपैड बना हुआ है यहाँ हेलीकॉप्टर जो आके उतरते हैं ये आधा किलोमीटर पहले पड़ जाता है केदारनाथ जी मंदिर से। तो यहाँ जो भी आपके आपने बुकिंग कर रखी होगी तो देखिए ये आप दौड़ ये लोग दौड़ रहे हैं ना, क्योंकि वापसी वाले भी होते हैं और आने वाले भी होते हैं। तो एक बार राउंड जो होता है वो छोड़ के जाता है हेलीकॉप्टर, एक राउंड जो है वो लेके जाता है जिनके दर्शन हो चुके होते हैं। तो ये लोग भी बस पहुंच गए थे ऊपर और वहाँ फिर इन्होंने स्नान वगैरह किया, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी व्यवस्था रुकने की है, लेकिन इतनी भीड़ थी तो इन्हें आगे पता चला था तभी ये पहले ही रुक गए थे एक किलोमीटर, क्योंकि ऊपर व्यवस्था नहीं थी रुकने की, बुकिंग वगैरह हो चुकी थी। वहाँ भी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, मंदिर परिसर में भी अच्छी व्यवस्था है रुकने की। तो बस ये लोग अपना जा रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति महोदय आए हुए हैं, अभी दर्शन इसलिए बनते हैं थोड़ी देर के लिए। उनका हेलीकॉप्टर तत्काल आया है बिल्कुल अभी अभी। तो जी देखिए पहुंच गए हैं दर्शन करने के लिए बाबा केदारनाथ के, और यहाँ देख सकते हैं क्योंकि दर्शन रोक रखे हैं। एक्चुअली उपराष्ट्रपति आने वाले थे तभी, जब वो हेलीकॉप्टर जो मैंने आपको दिखाया था वो उन्हीं का था, तो इस वजह से दर्शन रोक रखे थे। काफ़ी भीड़ थी, भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा होकर के देख सकते हैं। और सुबह का टाइम है बिल्कुल, और ये लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे, लगभग 7 करीब 7:30 पहुँच गए थे। उसके बाद में देखिए बाबा का भवन और बाबा का मंदिर जो बहुत ही अपने आप में एक विशाल है, अपने आप में एक चमत्कार है। आप जब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, ये मेरे पति देव बता रहे थे कि वहाँ पता चलता है कि कैसे ये मंदिर बना होगा, किसने बनाया होगा, क्या हुआ होगा, कुछ नहीं बता सकते। ठीक आप मतलब अपने आप में एक चमत्कार है ये मंदिर, तो दर्शन तो हम यहाँ बैठ के कर ही सकते हैं। जय महाकाल, बाबा केदारनाथ की जय। हम 8 बजे पहुँच गए मगर यहाँ से पता चला कि उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं धनगर जी, जिसकी वजह से रास्ता रोक दिया है। अब आपको यहीं से दर्शन कराते हैं। दर्शन अभी 9 बजे के बाद बता रहे हैं होंगे, VIP प्रोटोकॉल के तहत सब बंद कर दिया है। अरे मंदिर तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा।
जब उपराष्ट्रपति आए थे और ये लोग अपना लाइन में नहीं लगे थे क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, लेकिन एक कहते हैं ऐसा एक रेला जो होता है ना वो आया भीड़ वाला ढक्का कि एकदम से अंदर चले गए और भगवान के दर्शन, इन्होंने तो बोल दिया था प्रभु आज आप क्या करेंगे, दर्शन नहीं हुए तो फिर क्या होगा, शाम तक क्या फिर स्टे रहना पड़ेगा। और बीच में क्या हुआ था कि एक इनके जो दोस्त इनके पास में बैठे हैं उनकी वाइफ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो इस वजह से फिर इनको जल्दी हो रही थी आने की, तो उस वजह से इनको लग रहा था ऐसा ना हो कि आज फिर से रुकना पड़े यहीं। लेकिन कहते हैं ना बाबा जहाँ श्रद्धा होती है तो वहाँ खुद से बुला लेते हैं, एकदम भीड़ का ऐसा रेला आया कि अंदर बाबा के भवन में ही पहुँच गए, दर्शन बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बाबा के स्पर्श भी करके आए थे ये। हाँ यात्रा बहुत कष्टकारी रही मेरी पूरी, अब उतराऊँ 5:30 बजे हैं करीब, अब पहुँच रहा हूँ मैं गौरीकुंड, 2-4 मिनट लगेंगे मेरे को पहुँचने में बस। तो फ्रेंड्स बस ये इनकी यात्रा हो चुकी है और अभी ये गौरीकुंड जा रहे हैं, वहाँ स्नान करेंगे क्योंकि कहते हैं कि उतरते टाइम स्नान करते हैं तो पूरी थकान दूर हो जाती है। और ये जो आप नदी देख रहे हैं ना इसमें ठंडा पानी आता है और गौरीकुंड में गर्म पानी है, देखिए वो बिल्कुल पास पास में है दोनों ही, तो ये कितना तेज बहाव है इस नदी का। तो बस इनकी यात्रा यहाँ पूरी हो चुकी, ये स्नान करेंगे, वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इनके और जो दोस्त थे वो पीछे रह गए थे, ये आगे आ गए थे और ये सबसे पहले उतर आए थे नीचे, तो इन्होंने स्नान किया, स्नान करके अपना तैयार बैठे थे तब वो लोग आए थे। तो बस यहाँ इनकी यात्रा जो है वो समाप्त होती है गौरीकुंड पे आके, उसके बाद में इनको फिर टैक्सी से ही सोनप्रयाग जाना होगा, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे, फिर वहाँ से ये वापस आज तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज ही वहीं रुकेंगे सोनप्रयाग में ही रात्रि में, क्योंकि रात्रि हो जाएगी इनको, फिर ये कल स्टार्ट करेंगे अपनी आगे की यात्रा यानी वापस आने की, क्योंकि वैसे इनका बद्रीनाथ खा जाने का था लेकिन मैंने बताया इनके दोस्त की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उनको एडमिट करना पड़ गया था दिल्ली, इस वजह से फिर वो सभी लोग वापस जल्दी से आ गए और यहाँ इनकी यात्रा अभी संपन्न तो नहीं हुई क्योंकि अभी इनको जाना है सोनप्रयाग गौरीकुंड से, फिर उसके बाद में ये रिस्टे करेंगे, फिर उसके बाद में ये कल सुबह निकलेंगे जब अपने घर पहुंचेंगे। और आपको दर्शन कैसे हुए क्योंकि देखिए अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउ था ही नहीं, दर्शन कैसे लगे आपको भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर कीजिए क्योंकि घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ।